गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स फर्स्ट लेक्चर में हमने जीएसटी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था. आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. बट कंटिन्यू करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं. क्या डिस्कस किया था हमने? दो क्वेश्चन. टैक्स क्या होता है और टैक्स क्यों लगाया जाता है. टैक्स क्यों लगाया जाता है, तब मैंने आपको कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट, इसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करे. इन एक्सपेंडिचर्स के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और ये रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बाय वे ऑफ इंपोजिंग टैक्सेस. ये टैक्स क्या होता है? टैक्स एक एनफोर्स्ड मॉनेटरी पेमेंट है. दैट मींस टैक्स एक मॉनेटरी पेमेंट है जो पब्लिक गवर्नमेंट को करती है, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट हमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. पर ध्यान रखना, टैक्स एक एनफोर्स्ड पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट है जो किसी ना किसी लॉ के अंदर देना पड़ता है. यह कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, ये कोई डोनेशन नहीं है. इच्छा है तो दिया और इच्छा नहीं है तो न दिया, ऐसा नहीं है. फिर हमने डिस्कस किया था टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. दोनों में हमने दो डिफरेंस डिस्कस किए थे. फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता. सो इट इज लाइक ए नॉन ट्रांसफरेबल. बट इनडायरेक्ट टैक्स का स्पेशल फीचर है कि इसका बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट करता है और फाइनल बर्डन फाइनल कंज्यूमर लेता है. दूसरा डिफरेंस था कि डायरेक्ट टैक्स जो है ये प्रोग्रेसिव नेचर का है. दैट मींस जिन लोगों की अर्निंग एबिलिटी ज्यादा है उनसे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है और जो लोग कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स लिया जाता है, कम रेट से लिया जाता है. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये रिच और पुअर पर्सन में डिफरेंस नहीं करता है, सभी पर्सन पर एक ही रेट से एक ही तरीके से कलेक्ट किया जाता है. क्लियर? डायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जांपल तो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस हो सकते हैं. हमको स्टार्ट करना था जीएसटी. तब मैंने कहा था, फर्स्ट पॉइंट, ये जीएसटी होती क्या है? तब मैंने कहा था तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, अ कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स एंड कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. फर्स्ट था, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स. दैट मींस इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है और हर स्टेज पर जो जो टैक्स लगा है उसका फाइनल बर्डन कौन लेता है? फाइनल कंज्यूमर. सेकेंड का था, इट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स. दैट मींस बिफोर जीएसटी हमारे यहां बहुत सारे टैक्सेस थे, करीब करीब 17 टैक्सेस को जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लगाए जाते थे खत्म किए गए और उनकी जगह एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी. और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है जीएसटी में, जो पहले किसी भी एक्ट के अंदर नहीं था, और वो था कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. मीनिंग था, जहां पर वो गुड्स या जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम हुआ है, जिस स्टेट के अंदर उस गुड्स या सर्विसेज को यूज किया गया है, कंज्यूम किया गया है, वो स्टेट उस रेवेन्यू को रखेगी. दैट इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. तब मैंने कहा था, राजस्थान से कोई सप्लाई गुजरात में की गई है तो ये सारी के सारी रेवेन्यू किसे मिलेगी? गुजरात गवर्नमेंट को. क्यों? कंजम्पशन कहां हुआ है? गुजरात में. थर्ड पॉइंट हमने लिया था एप्लीकेबिलिटी, या मैंने दो पॉइंट आपको समझाए थे. फर्स्ट था, ये जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 से. क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट, दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. तब मैंने कहा था, व्हाट इज इंडिया? तो फर्स्ट कहा था, इंडिया मींस एज डिफाइंड
इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वहां पे क्या रखा है, इंडिया में 29 तो स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पांडिचेरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी अपनी विधानसभा है। 5 जो यूनियन टेरिटरी है उसकी अपनी विधानसभा नहीं है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो इंडिया इंक्लूड्स 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। के अलावा इंडिया मींस इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसका एयर स्पेस और उसका ग्राउंड स्पेस, प्लस इंडिया मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया। तब 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, इंडियन टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया अप टू 200 न्यूटिकल माइल मैक्सिमम, बट उससे पहले भी खत्म हो सकता है। और 200 न्यूटिकल माइल से बाद का एरिया हाई सी एरिया है, वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, फ्री एरिया है, कोई भी कंट्री फ्रीली यूज कर सकती है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। मैंने कहा था जीएसटी में 4 कंपोनेंट है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। 4 में से कौन सा कंपोनेंट हमारे ट्रांजेक्शन पे लगेगा, हमारी सप्लाई पे लगेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई। तब कहा था सप्लाई 2 तरह की होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई विथ इन द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान टू राजस्थान। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 टैक्सेस लगेंगे और दोनों के दोनों टैक्सेस लगेंगे, मान लो जीएसटी 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ये एसजीएसटी कहां लगेगी, 31 जगह पे, 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पांडिचेरी। लेकिन जो 5 यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे एसजीएसटी चार्ज नहीं होगी और एसजी की जगह चार्ज होगी यूटीजीएसटी। सीजीएसटी चार्ज करने के लिए एक सिंगल एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2070, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप सीजीएसटी चार्ज कर सकते हो, लगा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है। एसजीएसटी ये रेस्पेक्टिव स्टेट या रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी का रेवेन्यू होगा, वो लगाएगी, वो कलेक्ट करेगी, वो रखेगी। और इसके लिए मैंने कहा था जहां जहां एसजीएसटी 31 जगह पे 31 उसका अपना रेस्पेक्टिव स्टेट एक्ट बना रखा है, लेकिन 5 यूनियन टेरिटरी जिसकी अपनी विधानसभा नहीं है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, सिंगल एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070। एंड सेकेंड सप्लाई थी इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, 2 स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, आईजीएसटी चार्ज होगी और ओनली एंड ओनली आईजीएसटी चार्ज होगी। अगर जीएसटी की रेट 18% है तो आईजीएसटी कितनी चार्ज होगी, 18%। इसके लिए जो एक्ट बना है वो आईजीएसटी एक्ट 2017 है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप आईजीएसटी लगाओ एंड कलेक्ट करो, पर कलेक्ट करने के बाद ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड का नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और कौन सा स्टेट, कंज्यूमिंग स्टेट को। क्लियर फ्रेंड्स, ये अब तक हम लोगों ने डिस्कशन दिया था। इसी चैप्टर का मैं सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, बट अभी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंड इट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड दैट इज इन शॉर्ट ITC। क्लियर। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो जीएसटी में आया है, ये पहले भी था, सेंट्रल एक्साइज में भी था, सर्विस टैक्स में भी था, और स्टेट के जो वैट थे उसमें भी था।
क्लियर। नो हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बेसिक प्रिंसिपल कि ये आईटीसी होती क्या है, व्हाट इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। और ये मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से समझना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्लियर, और एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये एक प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स, क्लियर। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्स। अब देखो इसे एक्स बनाना है, एक्स का प्रोडक्शन करना है, तो x का प्रोडक्शन करने के लिए इसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। x का बना, x को बनाने के लिए इस तो एक तो इसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं यहां पे इनपुट, क्लियर। मान लो x को बनाने के लिए इसे दो रॉ मटेरियल चाहिए, a और b, रॉ मटेरियल a एंड रॉ मटेरियल b। इसके अलावा हो सकता है इसे कुछ इनपुट सर्विसेज की भी जरूरत पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स को बनाने के लिए इसे कंसल्टेंसी सर्विस की जरूरत पड़ जाएगी, या मान लीजिए इस कंपनी ने कई तरह के सर्विसेज ले रखे, फॉर एग्जांपल टेलीफोन, क्लियर। तो कई तरह की इनपुट सर्विसेज भी होगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, मशीनें भी खरीदनी पड़ेगी, तो हो सकता है इसने कुछ मशीनें भी खरीदी है जिसके लिए टर्म यूज की जाती है कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, क्लियर। तो हमें एक्स बनाना है, एक्स कैसे बनाएंगे, हम रॉ मटेरियल ए खरीदेंगे, रॉ मटेरियल बी खरीदेंगे, कुछ इनपुट सर्विसेज लेंगे, कुछ मशीनें खरीदेंगे, इन सब को यूज करके हम एक्स बना देंगे और एक्स किसी ना किसी को हम सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो आप सोचो जब एक्स बनाने के लिए आपने इतनी सारी चीजें एक्वायर करी है, खरीदी है, तो क्या आपको इन सारे आइटम पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा? यस। तो जिस पर्सन से आप ए खरीदोगे वो आपसे ए के लिए ए पे क्या चार्ज करेगा, टैक्स चार्ज करेगा, हमको पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। फॉर एग्जांपल ए से जो भी रॉ मटेरियल खरीदा उस पर हमने 20,000 रुपए का टैक्स पे किया है, तो इस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज इनपुट टैक्स। इसी तरीके से हम बी खरीदना चाहते हैं ताकि हम एक्स बना सके, तो बी का सप्लायर जब हमें बी सप्लाई करेगा तो वो भी तो हमसे टैक्स चार्ज करेगा। मान लो उसने हमसे 10,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया, तो ये मेरे लिए क्या है, इनपुट या आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, क्लियर। इसी तरीके से कई तरह की मैंने सर्विसेज ली, तो जो लोग मुझे सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो भी तो मुझसे टैक्स चार्ज करेंगे। मान लो उन लोगों ने मेरे से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया, ये भी मेरा क्या है, इनपुट टैक्स। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी, तो जिस पर्सन ने मशीन बेची है, जो मशीन का सप्लायर है, उसने मुझे से क्या चार्ज किया होगा, मशीन की वैल्यू और साथ साथ में मशीन पर टैक्स, जीएसटी। मान लो उसने मुझसे 50,000 रुपए का जीएसटी चार्ज किया, टैक्स चार्ज किया। तो ये सारी चीजें 20,000 + 10,000 + 20,000 + 50,000 ये क्या है मेरे लिए, ये सब के सब मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने टोटल अगर बात करूं तो इनपुट टैक्स कितना पे किया है, 20 + 10 = 30 + 50 = 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का टैक्स मैंने पे किया था। ये सब चीजें मैंने परचेज करी और इसको यूज करके मैंने क्या बना दिया, एक्स बना दिया। अब ये एक्स भी तो मैं किसी न किसी को क्या करूंगा, इसकी सप्लाई करूंगा, सेल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल सप्लाई करी है 10,00,000 रुपए की, 10,00,000 रुपए की सप्लाई करी, और मान के चलता हूं कि मेरी सप्लाई पर जीएसटी जो है वो 18% लगती है। जब मैं 10,00,000 की सप्लाई करूंगा तो क्या मैं मेरे कस्टमर से 1,80,000 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो मैंने मेरे कस्टमर से 1,80,000 रुपए चार्ज किए है, ठीक उसी तरीके से इन लोगों ने मुझसे चार्ज किए थे,
क्लियर। ये 1,80,000 रुपए मैं किसको दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा, तो टोटल मैंने उनसे कितना चार्ज किया होगा, 10 लाख रुपए मेरी वैल्यू, मेरे गुड्स की वैल्यू प्लस 1,80,000 टैक्स, टोटल 11,80,000 रुपए चार्ज किया है। इस 11,80,000 में 10 लाख रुपए तो मैं मेरे पास रखूंगा, लेकिन 1,80,000 किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। तो ये 1,80,000 मेरे लिए क्या है, इट इज आउटपुट टैक्स, क्लियर। अब मुझे 1,80,000 गवर्नमेंट को देना है तो मैं क्या बोलूंगा, देखो गवर्नमेंट मैं आपको 1,80,000 रुपए देना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स है जो ऑलरेडी मैंने इनके सप्लायर को पे किए थे और उन लोगों ने आपको पे कर दिए हैं। इसका मतलब 1,00,000 रुपए तो मेरे अकाउंट से, जेब से ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मुझे आप इसकी क्या दो, क्रेडिट दो। मैं नेट कितना पे करूंगा गवर्नमेंट को, नेट टैक्स कितना पे करूंगा, मैं बोलूंगा 1,80,000 तो मुझे आपको देने हैं, इसमें से ऑलरेडी 1,00,000 रुपए तो मैं मेरे इनपुट पे दे चुका था, 80,000 रुपए मैं आपको पे कर दूंगा। तो पेमेंट कितना करना है, आउटपुट टैक्स में से मैं इनपुट टैक्स क्या कर दूं, माइनस बैलेंस में गवर्नमेंट को पे कर दूं, क्लियर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट पर जो टैक्स मैंने पे किया है मैं उसकी क्या ले रहा हूं, क्रेडिट। दैट मीन्स आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए जब इनपुट पर टैक्स जो पे किए है माइनस करते हो, या आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए जब इनपुट टैक्स यूज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लियर। सो व्हाट इज आईटीसी, इनपुट पर जो टैक्स पे कर चुका हूं उस टैक्स को मैं यूज करता हूं, माइनस करता हूं फॉर द पेमेंट ऑफ माय आउटपुट टैक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट पर जो टैक्स पे किया है मैं उसकी क्रेडिट ले रहा हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आईटीसी, क्लियर, सिंपल। तो आप थोड़ा इसके बारे में जो लिखना है आप लिखिए, उसके बाद कुछ और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जीएसटी के 4 कंपोनेंट थे, उस कंपोनेंट को हम आईटीसी के साथ लिंक करेंगे और कुछ जीएसटी के प्रोविजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज था, आईटीसी होती क्या है, ये जीएसटी से पहले भी थी कुछ सेंस में और जीएसटी के बाद में भी है, तो ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है आईटीसी। इसके रिगार्डिंग जीएसटी के प्रोविजन क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लिखिए आप लोग। ठीक है, सो ये जीएसटी आईटीसी के बारे में बेसिक नॉलेज था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आईटीसी के बारे में जीएसटी में क्या प्रोविजन है, हम कुछ उसके बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे, हालांकि ये डिस्कशन आगे दोबारा किया जाएगा लास्ट टॉपिक में, क्लियर, बट फिर भी जीएसटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमको, ठीक है। नाउ देखिए, अब टैक्स दो तरह के होंगे, मैं कह चुका हूं आपको टैक्स दो तरह के होंगे, कौन कौन से, एक तो मेरा आउटपुट टैक्स भी होगा और एक इनपुट टैक्स भी होगा, इनपुट टैक्स, क्लियर। सो टैक्स दो तरह के होंगे, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, क्लियर। नाउ पॉइंट इज, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जीएसटी में 4 कंपोनेंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये चारों कंपोनेंट इनपुट के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, आउटपुट के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। भाई मुझे एक्स बनाना है
तो एक्स बनाने के लिए मैंने कई तरह के रॉ मेटेरियल खरीदे, कई तरह की सर्विसेज ली, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, तो उस पर जो मैंने टैक्स पे किया था वो क्या था? इनपुट टैक्स। कौन सी जीएसटी कंपोनेंट पे करी होगी? तो अगेन डिपेंड करेगा कि वो जो इनपुट मैंने खरीदे थे क्या सेम स्टेट से खरीदे थे, दैट मीन्स क्या वो इंट्रा स्टेट सप्लाई थे या मैंने वो इनपुट किसी दूसरे स्टेट से खरीदे थे, इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर? अगर मैंने सेम स्टेट से खरीदे थे तो मैंने मेरे सप्लायर को कौन कौन से कंपोनेंट पे किए होंगे, तो मैंने कौन कौन से कंपोनेंट पे किए होंगे, दो। एक तो उसको सी जीएसटी तो पे किया ही होगा, दूसरा या तो मैंने एस जीएसटी पे किया होगा या वो पांच यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट, तो मैंने क्या पे किया होगा, यूटी जीएसटी, और दोनों चीजें पे करी होगी, सी जीएसटी एज वेल एज एस जीएसटी या यूटी जीएसटी। बट सपोज करो मैंने जो अपने इनपुट खरीदे थे ना वो किसी दूसरे स्टेट से खरीदे थे, मैं राजस्थान में हूं, मैंने मेरा रॉ मटेरियल गुजरात वाले से खरीदा है, तो गुजरात वाले ने मुझसे क्या चार्ज किया होगा, आईजीएसटी। तो उसने मुझसे आईजीएसटी चार्ज किया, मैंने उसको आईजीएसटी पे किया, तो ये मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स है। तो अगर दूसरे स्टेट से मैंने परचेस किया था तो मैंने कौन सा टैक्स पे किया होगा, आईजीएसटी। क्लियर? तो मेरे इनपुट टैक्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, मेरे इनपुट टैक्स में सीजीएसटी भी हो सकती है, एसजीएसटी भी हो सकती है, यूटीजीएसटी भी हो सकती है एंड आईजीएसटी भी हो सकती है। इनपुट को यूज करके मैंने आउटपुट बनाया, अब मैं इसे सप्लाई कर रहा हूं, मैं इसे सेल कर रहा हूं, तो मैं मेरे कस्टमर से भी टैक्स चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। क्लियर? मैं कौन सा जीएसटी कंपोनेंट चार्ज करूं, अगेन डिपेंड करेगा कि मैंने मेरे आउटपुट के साथ क्या किया, क्या मैंने मेरे आउटपुट का इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है या इंटर स्टेट सप्लाई किया है। अगर मैंने अपना प्रोडक्ट आउटपुट सेम स्टेट में बेचा है तो मैंने मेरे कस्टमर से अगेन दो टैक्स लिया होगा, सीजीएसटी ये तो लेना ही है, इसके अलावा हो सकता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। बट सपोज करो मैं राजस्थान का हूं और मैंने पंजाब में सप्लाई भेज दी, तो मैंने पंजाब वाले कस्टमर से क्या चार्ज किया होगा, आईजीएसटी। क्लियर? इसका मतलब इनपुट में भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं एंड आउटपुट में भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इनपुट भी चार हो सकते हैं एंड आउटपुट भी चार हो सकते हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इनपुट टैक्स की जो मैं क्रेडिट लूंगा, आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए इनपुट टैक्स की जो क्रेडिट लूंगा इसे मैं क्या बोलूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह बनता है कि क्या मैं हर तरह के इनपुट टैक्स की क्रेडिट हर तरह के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए काम में ले सकता हूं, नहीं। यहां जीएसटी एक्ट में एक रेस्ट्रिक्शन है और क्या रखा है, कोई भी इनपुट टैक्स किसी भी आउटपुट टैक्स के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हम बताएंगे, जीएसटी एक्ट बोलता है, हम बताएंगे कि कौन कौन सा इनपुट टैक्स कौन कौन से आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट होगा और किस ऑर्डर में एडजस्ट होगा। तो दो बातें कर रखी है, कौन से टैक्स की क्रेडिट किसके अगेंस्ट में मिलेगी और किस ऑर्डर के साथ मिलेगी। क्लियर? जैसे मान लो मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं अपनी आउटपुट सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे लिए आउटपुट टैक्स आएगा। क्लियर? अब आउटपुट सप्लाई अगर मैंने इंटर स्टेट करी है, पहले इंटर स्टेट ले रहा हूं, इंटर स्टेट करी है, तो आउटपुट टैक्स में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी। क्लियर? बट मान लो मैं अपने आउटपुट की सप्लाई कर रहा हूं कहां, सेम स्टेट में, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? तो मेरे आउटपुट टैक्स में क्या क्या शामिल होगा, आउटपुट टैक्स कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैं
आउटपुट टैक्स में क्या क्या लूंगा, एक तो सीजीएसटी लूंगा और दूसरा क्या चार्ज करूंगा, एस जीएसटी या यूटी जीएसटी, ये चार्ज करूंगा। क्लियर? तो मैंने अगर इंटरेस्टेड सप्लाई करी है तो मुझे गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे करनी है और मैं अपने कस्टमर से आईजीएसटी चार्ज करूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अगर मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई करी है तो मेरे कस्टमर से मैं सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। इसका मतलब मुझे मेरी सप्लाई पे ये टैक्स पे करना है, तो ये मेरे क्या है, आउटपुट टैक्स। इन आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए मैं क्या ले सकता हूं, क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ले सकता हूं। नाउ पॉइंट इज, क्या आईजीएसटी पे करने के लिए सारे इनपुट की क्रेडिट ले सकता हूं? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपको आईजीएसटी पे करना है तो आईजीएसटी आउटपुट के साथ अगर आपके अकाउंट में आईजीएसटी इनपुट पड़ा है तो आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। फर्स्ट, तो फर्स्ट में किसे माइनस करूंगा, आईजीएसटी को। क्लियर? आईजीएसटी पे करने के बाद मेरे अकाउंट में अगर सीजीएसटी पड़ी है तो मैं उसकी भी क्रेडिट ले लूंगा। क्लियर? सीजीएसटी पे करने के बाद भी अगर पैसा पड़ा है तो एस जीएसटी या यूटी जीएसटी भी ले सकता हूं, बैलेंस में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तो मुझे आईजीएसटी पे करनी है, क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई करी है, आईजीएसटी पे करूंगा। बट आउटपुट टैक्स पे करने के लिए मैं इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता हूं। तो चेक करो, अगर मेरे अकाउंट में आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, मैं सबके क्रेडिट ले सकता हूं, लेकिन मुझे ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आईजीएसटी पे करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी यूज करूंगा। बट सपोज करो मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है तो मुझे कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। ये टैक्स पे करने के लिए, ये टैक्स पे करने के लिए, दैट मीन सीजीएसटी पे करने के लिए मैं सीजीएसटी की क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं और आईजीएसटी की भी क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। क्लियर? मुझे सीजीएसटी पे करना है तो सीजीएसटी पे करने के लिए अगर मेरे इनपुट टैक्स में सीजीएसटी का पैसा पड़ा है वो यूज कर लूं, उसके बाद आईजीएसटी, बस ये दो यूज कर सकता हूं। इसका मतलब सीजीएसटी पे करने के लिए आप एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते, आप सीजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी यूज कर सकते हो। और इसी ऑर्डर में, पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट में सीजीएसटी को और फिर जरूरत पड़ने पर आईजीएसटी को। उसी तरीके से क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई थी तो मुझे एसजीएसटी भी पे करना है। क्लियर? या यूटीजीएसटी, ये पे करने के लिए अगेन मुझे यूज करना है तो सबसे पहले मैं किसे यूज करूंगा, सीजीएसटी या यूटीजीएसटी जो भी केस है, उसके बाद आईजीएसटी बैलेंस। तो अगर मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई करी है तो सीजीएसटी पे करना ही है। सीजीएसटी पे करने के लिए सबसे पहले अगर इनपुट पर सीजीएसटी पड़ी है वो यूज कर लो और आईजीएसटी, और इसी ऑर्डर में पहले एसजीएसटी यूज करना पड़ेगा एंड देन आईजीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी यूज की जाएगी, एसजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी यूज नहीं की जाएगी। तो सिंपल सी तो बात है, आईजीएसटी पे करने के लिए मैं हर कंपोनेंट यूज कर सकता हूं, लेकिन ऑर्डर है पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। लेकिन सीजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज नहीं होगी और आईजीएसटी सीजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज नहीं होगी और एसजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी यूज नहीं होगी। क्लियर? इसका मतलब सीजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी पहले यूज करेंगे उसके बाद आईजीएसटी। क्लियर? और एसजीएसटी पे करने के लिए पहले एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं अगर मुझे सी जी एस टी पे करनी है
तो इसके लिए एस जीएसटी यूज नहीं हो सकती, या एस जीएसटी पे करनी है तो उसके लिए सी जीएसटी यूज नहीं हो सकती। क्लियर? सो जीएसटी में अच्छी बात है कि आप इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकते हो, बट यहां इनपुट और आउटपुट टैक्स में चार चार कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट इनपुट टैक्स में भी होंगे और चारों आउटपुट में भी होंगे, बट चारों को आप मर्जी हो ऐसे यूज नहीं कर सकते। दो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, किसको किसके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा और किस ऑर्डर सिक्वेंस में यूज किया जाएगा। क्लियर? तो क्या डिस्कस किया? आईजीएसटी पे करने के लिए सारे कंपोनेंट यूज किए जा सकते हैं, बट ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले आईजीएसटी, देन सीजीएसटी सेंट्रल, एंड देन स्टेट जीएसटी। बट अगर आपको सेंट्रल जीएसटी पे करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले सेंट्रल जीएसटी यूज करो, उसके बाद आईजीएसटी यूज करो, बस एसजीएसटी यूज मत करना। आपको एसजीएसटी पे करनी है स्टेट जीएसटी के लिए, सबसे पहले स्टेट जीएसटी यूज करो, उसके बाद आईजीएसटी यूज करो, बस सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते। तो सीजीएसटी के अगेंस्ट में एसजीएसटी और एसजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी, ये यूज नहीं हो सकता। बाकी सब पॉसिबल है, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? सो आप इसे नोट करिए अच्छे से। देखिए आप लोग, सो हम लोगों ने दो पॉइंट आज की क्लास में डिस्कस किए। फर्स्ट, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती क्या है, बेसिक नॉलेज जो पहले भी ये कॉन्सेप्ट था आज भी है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में जीएसटी में क्या प्रोविजन है, दैट मींस किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस है, दो चीजें, कौन किसके साथ सेट ऑफ किया जा सकता है और किस ऑर्डर में सेट ऑफ किया जा सकता है। क्लियर? एक पॉइंट में और ले रहा हूं, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीएसटी में चार कंपोनेंट है, जीएसटी में चार कंपोनेंट है, और हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ये चार कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, चार कंपोनेंट है, और ये चार जो कंपोनेंट है ये किसकी रेवेन्यू है, कौन सी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, दैट मीन्स ये पैसा रखेगी कौन, किसका पैसा होगा। तो चारों कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा था, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, और साथ साथ में बात कर सकता हूं यूटी जीएसटी की। तो कभी कभी मैं एसजीएसटी वर्ड बोल रहा हूं तो साथ साथ में मैं बात यूटी जीएसटी की भी कर रहा हूं, और एक कंपोनेंट में बात करूं तो आई जीएसटी। क्लियर? सेंट्रल जीएसटी, ये पैसा, ये टैक्स कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ढंग से सुनना, सीजीएसटी का पैसा, दैट इज सीजीएसटी, कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद में रिटेन भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सीजीएसटी का पैसा, तो सीजीएसटी से जो रेवेन्यू आ रही है, प्योरली रेवेन्यू किसके अकाउंट में जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्लियर? उसी तरीके से एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की बात करूं तो ये टैक्स जो है ये प्योरली किसकी रेवेन्यू होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये टैक्स लगाएगी भी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और रिटेन भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट खुद। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईजीएसटी, आईजीएसटी किस पर चार्ज होती है, इंटर स्टेट सप्लाई पर, और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रॉम
वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का कोई पर्सन है और उसने सप्लाई कहां की है, गुजरात में, क्लियर। इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई में प्रॉब्लम है कि दो स्टेट इन्वॉल्व है, दो स्टेट इन्वॉल्व है, तो डिस्प्यूट तो आएगा, ये पैसा कौन रखे। अरे ये तो कब लगते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सारा ट्रांजेक्शन राजस्थान के अंदर ही हो रहा है, तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख ले और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट रख ले, गुजरात गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई में तो दो स्टेट इन्वॉल्व है, राजस्थान वाला सप्लायर है और गुजरात वाला बायर है, तो इंटर स्टेट सप्लाई में टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व, दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक एक्सपोर्टिंग स्टेट, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और गुजरात कौन है, इंपोर्टिंग स्टेट। एक मिनट मार्कर चेंज कर रहा हूं। सो आईजीएसटी किस पे चार्ज होती है, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से गुजरात, दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, राजस्थान एक्सपोर्टिंग स्टेट है और गुजरात इंपोर्टिंग स्टेट है। अब प्रॉब्लम आ गई कि आईजीएसटी, मैंने कहा भी था आईजीएसटी कलेक्ट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी चार्ज लगाती कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में नहीं जाएगा, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो दो है, एक एक्सपोर्टिंग स्टेट और दूसरा इंपोर्टिंग स्टेट, तो ये आईजीएसटी का पैसा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तब मैंने क्या कहा था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो ये पैसा कौन रखेगी, लगा रही कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये पैसा रिटेन कौन करेगी, किसकी रेवेन्यू मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, इंपोर्टिंग स्टेट की। तो अगर राजस्थान में कोई चीज है, राजस्थान में प्रोडक्शन हुआ, राजस्थान वाले ने गुजरात को बेचा, तो इस गुड्स के ऊपर जो भी आईजीएसटी है, ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के पास। इसके लिए पूरा का पूरा जीएसटी पोर्टल बना रखा है, जहां सारी चीजें ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। क्या क्या रखा है, एक्सपोर्टिंग स्टेट जो है, दैट इज फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान वाला ये पैसा किसको ट्रांसफर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक बार तो टैक्स किसने कलेक्ट किया होगा, सप्लायर ने, क्लियर। तो राजस्थान सप्लायर ने पैसा जमा करा दिया, तो राजस्थान गवर्नमेंट ये पैसा किसको ट्रांसफर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट रीट्रांसफर किसको कर देगी, गुजरात गवर्नमेंट को। दैट मींस एक्सपोर्टिंग स्टेट ये पैसा जो आईजीएसटी अकाउंट में लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा रीट्रांसफर किसको कर देगी, गुजरात गवर्नमेंट को, ताकि रेवेन्यू किसके पास चले जाए, गुजरात गवर्नमेंट के पास, क्लियर। सो हमने ये डिस्कस किया कि जीएसटी के कंपोनेंट तो चार है, चारों पैसा ले तो कोई ना कोई गवर्नमेंट रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, पर ये रेवेन्यू किसकी होगी। तो सेंट्रल जीएसटी जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगाया जाता है, ये पूरी रेवेन्यू, ये पूरा टैक्स लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती, और रखेगी भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी या यूटी जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है। लेकिन आईजीएसटी का पैसा दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, आईजीएसटी लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा अल्टीमेटली ट्रांसफर किसको कर देगा, कंज्यूमिंग इंपोर्टिंग स्टेट को, बिकॉज जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। So, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए और आप इसे नोट करिए, देन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा
कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। देखिए ये जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये सारी चीजें आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसे समझिए और नोट करिए। देखिए आप लोग, किसकी रेवेन्यू होती है, कौन से टैक्स लगेंगे, इसके बारे में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। वैसे एग्जांपल पूरा है, दो एग्जांपल लूंगा। जैसे फर्स्ट में एग्जांपल की बात करूं तो मैं सारी की सारी बात इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग ये सारी प्रॉब्लम करती है, और मुझे लगता है समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना। तो लिखा हुआ तो सारा आपको मिल जाएगा, विथ क्वेश्चन, विथ थ्योरी, विथ डायग्राम, सब आप जस्ट यहां समझने की कोशिश करिए। नाउ फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए, इसका मतलब जो भी मैं बात करूंगा विथ इन वन स्टेट बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर की, क्लियर। सो यहां पर जो एग्जांपल आपको दे रखा है उसमें दो पर्सन है सेम स्टेट के, ए ने बी को कोई गुड्स सप्लाई किया है या सर्विसेज दी है, और इसमें इसने गुड्स की वैल्यू चार्ज की है 10,000 रुपए, तो 10,000 तो गुड्स का है, टैक्स एक्स्ट्रा होगा, क्लियर। ये दोनों सेम स्टेट के, फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान गुड्स बी के पास आ गया, बी ने भी आगे जाके इसे सी को सेल किया है, तो क्या बी 10,000 में सेल करेगा? नहीं, वो भी तो वैल्यू एड करेगा। तो मान लीजिए उसने 20% वैल्यू एडेड किया तो बी सी को कितने में सेल करेगा? 12,000 रुपए में, क्लियर। तो दो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ए ने बी को और बी ने सी को, क्लियर। ये सबके सब लोग राजस्थान के हैं, क्योंकि मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहा हूं। अब आप सोचो, क्योंकि सबके सब राजस्थान के हैं, तो क्या आई जीएसटी की बात होगी? नहीं, यूटी जीएसटी की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये स्टेट है ना कि यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब दो टैक्स, और दोनों के दोनों टैक्स लगे होंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो जब ए ने बी को बेचा होगा तो इसने क्या कहा होगा कि भाई एक तो मेरी गुड्स की वैल्यू कितनी दे दो तुम, 10,000। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि जीएसटी की जो रेट है वो 18% है, तो 18% जीएसटी है, जीएसटी के दो कंपोनेंट लगेंगे क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है 9+9, क्लियर। तो इस वैल्यू पर एक तो चार्ज होगा सी जीएसटी, कितना 9% 900, और एक चार्ज होगा एस जीएसटी 9% 900। टोटल इनवॉइस कितने की बन जाएगी? 11,800 की, क्लियर। तो ए ने बी को 11,800 रुपए लेगा, जिसमें 10,000 रुपए तो ए खुद अपने पास रखेगा, ये तो इसके गुड्स का है। ए ने बी से कलेक्ट किया है तो ए के लिए तो क्या है? आउटपुट टैक्स है, क्लियर। तो ए 900 रुपए किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में है। ये 900 रुपए किसको दे देगा? राजस्थान गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्लियर। क्योंकि ए फर्स्ट स्टेज डीलर है, मैं ये मान रहा हूं, इनफैक्ट है कि इसने किसी भी तरह के इनपुट नहीं लिए। जब भाई तेरे पास कोई इनपुट ही नहीं है, तूने कोई इनपुट खरीदा ही नहीं, तो इनपुट टैक्स तो पे किया ही नहीं, तो तुझे तो कोई क्रेडिट मिलनी नहीं है। इसका मतलब ए ने बी से 900 रुपए सीजीएसटी का और 900 रुपए एसजीएसटी का चार्ज किया। ये 900 रुपए बी से चार्ज करके ए किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 900 रुपए बी से चार्ज करके ए किसको पे कर देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ए के लिए तो ये क्या है? आउटपुट टैक्स, और पूरा देना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए तो इनपुट है ही नहीं। अब ये गुड्स किसके पास आ चुका है? बी के पास। लेकिन बी के लिए क्या है? बी के लिए ये इनपुट टैक्स है, क्लियर। लेकिन बी ने भी सी को सप्लाई किया है 12,000 में, तो जब बी सी से पैसा लेगा तो ये बोलेगा भाई ये तो हो गया ए टू बी, ये हो जाएगा बी टू सी। तो बी सी को क्या बोलेगा? एक तो भाई तू मेरी गुड्स की वैल्यू दे दे 12,000, इसके अलावा टैक्सेस भी लेगा क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो क्या चार्ज करेगा? सी जी एस टी और एस जी एस टी, 18% रेट है तो 9-9%, क्लियर। तो 12,000 पे 9% कितना होगा? थोड़ी मैथमेटिक्स वीक है,
1080, तो 1080 तो क्या लेगा सीजीएसटी का, और 1080 क्या लेगा आईजीएसटी का, एंड टोटल अमाउंट हो जाएगा 14160। क्लियर? तो हुआ क्या, बी ने सी से टोटल कितना अमाउंट लिया 14160, जिसमें से 12000 तो बी कहेगा मेरे गुड्स का मेरे पास रखो, लेकिन ये 1080 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, ये 1080 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं, तो बी के लिए क्या है ये आउटपुट टैक्स, बट क्या ये इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि इसने तो ए को टैक्स पे किया था, तो ये बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट को नेट टैक्स कितना पे करना है, नेट टैक्स पेबल बाई बी, भले ही बी ने लिया कितना है 1080 सी से, पर ये पूरा थोड़ी ना पे करेगा, ये कहेगा एक तो मुझे सीजीएसटी पे करनी है, कितनी पे करनी है 1080, तो जब 1080 पे करने जाएगा तो इसके अकाउंट में क्या इनपुट टैक्स पड़े, बिल्कुल पड़े। अब इनपुट टैक्स में से कौन कौन से इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है, तो सबसे पहले तो सीजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस होगी, क्लियर, उसके बाद अगर होती तो आईजीएसटी, बस। तो सीजीएसटी पे करने के लिए सीजीएसटी की तो क्रेडिट ले सकता हूं, तो बी ने कितना टैक्स पे किया था ये 900, तो कहेगा कि मुझे 1080 की सीजीएसटी देनी है, पर 900 की तो ऑलरेडी मैं दे चुका था, बैलेंस 180 रुपया मैं पे कर देता हूं, क्लियर। तो ये पैसा बी किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्लियर। इसी तरीके से बी को और पेमेंट करना पड़ेगा, कौन सा एसजीएसटी, ये भी तो पे करेगा, कितनी एसजीएसटी इसने ली है, बी ने सी से 1080 की एसजीएसटी ली है, क्या पूरा एसजीएसटी पे कर दे, नहीं, वो कहेगा कि इसके लिए मैं क्या लूंगा क्रेडिट, और एसजीएसटी के अगेंस्ट में आप एसजीएसटी की तो क्रेडिट ले ही सकते हो, आपके अकाउंट में एसजीएसटी कितनी पड़ी है, तो बी ने ए को दिए थे 900 रुपए एसजीएसटी के, ये कह देगा इसकी मुझे क्रेडिट दे दो और 180 रुपए मैं पे कर देता हूं, किसको, टू स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक तो ए ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 और एक बी कितना दे रहा है 180, 900 प्लस 180। इसी तरीके से एसजीएसटी का पैसा किसको मिला होगा, राजस्थान गवर्नमेंट को, तो राजस्थान गवर्नमेंट को एक तो ए ने कितना दिया था 900 और बी कितना दे रहा है 180, 900 प्लस 180 1080, तो अल्टीमेटली होना तो 1080 है, कुछ ऑलरेडी पे हो चुका था ए द्वारा, बच्चा हुआ बी पे कर दे, मान के चलता हूं सी फाइनल कंज्यूमर है तो सी को तो टोटल टैक्स का बर्डन लेना ही था, तो अब तक का टोटल टैक्स किसने लिया है, सी ने, क्लियर। ये एक एग्जांपल था, और अगर आपके पास ये मटेरियल है तो आप पेज नंबर 8 के ऊपर एक एग्जांपल जो दे रखा है आप इसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, मैंने पूरा ट्रांजेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आराम से टाइम लेके पढ़ना आप, ठीक है। सो मैंने कहा था मैं आपके सामने दो एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, और आप समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से सीजीएसटी और इसकी क्रेडिट वर्क करती है, कैसे हम लोग किसकी रेवेन्यू कहां तक पहुंचाएंगे। तो मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, मिक्स एग्जांपल है, चलो हेडिंग में डाल देता हूं इंटर स्टेट सप्लाई। पूरा एग्जांपल तो जब आपके पास मटेरियल होगा आप देख सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन के फैक्ट साथ में ले रहा हूं पूरे एग्जांपल के। तो इस एग्जांपल में ये हो रहा है कि एक्स एक पर्सन है, क्लियर, उसने ए को कुछ बेचा है, ए को, क्लियर, और एक्स ने ए को 10,000 रुपए का माल बेचा है, सप्लाई किया है। ये मान के चल रहा है कि एक्स भी स्टेट 1 में है और ए भी स्टेट 1 के अंदर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये तो क्या है, इंटरेस्टेड सप्लाई।
अब गुड्स कहां तक पहुंच चुका है? बी के पास। बी ने आग सॉरी एक्स से ए किसको सप्लाई कर रहा है? बी को। ये 20% वैल्यू एडिशन के साथ बेच रहा है, इसका मतलब ये कितने में बेचेगा? 12,000 में। लेकिन ए जो बी को बेच रहा है ना, ये बी स्टेट 2 में है, दूसरा मतलब किसी दूसरे स्टेट का है। तो राजस्थान से राजस्थान, फिर राजस्थान से वो माल गुजरात पहुंच चुका है स्टेट 2 में। अब ये माल गुजरात में पड़ा है बी के पास, और बी आगे किसी सी को सेल कर रहा है वो भी, और इसमें 20% वैल्यू एडिशन कर रहा है, और 20% वैल्यू एडिशन करने के बाद जो अमाउंट बन रहा है ये बन रहा है 14,400 में, है ना, 14,400। तो बी ने सी को ये 12,000 में खरीदा हुआ गुड्स 14,400 में सेल किया है, और ये बी भी जो है ये कहाँ है? स्टेट 2 के अंदर है। इसका मतलब ये दोनों सेम स्टेट, तो इन दोनों के बीच में जो सप्लाई होगी ये कौन सी होगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इन दोनों के बीच में जो सप्लाई होगी ये कौन सी है? इंटर स्टेट सप्लाई। बट वापस जो बी से सी के बीच में होगी ये अगेन क्या हो जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर? सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग लो। पहले हम सिर्फ बात करें एक्स टू ए, भाई जब एक्स ए को माल बेचेगा तो क्या वो सिर्फ 10,000 रुपए लेगा? नहीं, वो बोलेगा भाई एक तो तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो गुड्स की वैल्यू का, 10,000। क्लियर? बट ये कहेगा कि साथ में टैक्सेस भी दो, जीएसटी। जीएसटी के चार कंपोनेंट होते हैं। कौन सा कंपोनेंट? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई पे। कौन से सप्लाई है? स्टेट ए टू स्टेट ए, इंट्रा स्टेट। तो भाई ए एक्स जब ए से लेगा तो कहेगा एक तो तुम मुझे सीजीएसटी दे दो और एक मुझे एसजीएसटी दे दो। 18% रेट में ले रहा हूं तो 9% 900 रुपए सीजीएसटी का, 900 रुपए एसजीएसटी का, टोटल आप मुझे दे दो 11,800। क्लियर? ये 10,000 रुपए तो ए अपने पास रख देगा। क्लियर? ये 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा, ये 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और पूरा 900 प्लस 900 देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो कोई इनपुट टैक्स है ही नहीं, ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट डीलर है। क्लियर? अब ये गुड्स किसके पास आ चुका है? ए के पास। याद रखना ये 900 प्लस 900 ए के लिए क्या था? आउटपुट टैक्स एक्स के लिए, बट ए के लिए क्या है? इनपुट टैक्स। ये तो इसके क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। माल ए तक पहुंच चुका है, ए बी को बेच रहा है 12,000 में, तो ये बोलेगा एक तो बी भाई तू मेरी गुड्स का कितना दे दे? 10,000। इसके अलावा तू मुझे क्या देगा? टैक्स, जीएसटी। जीएसटी कौन सी लगेगी चार में से? यार ये इंटरेस्टेड सप्लाई है, इस पे आईजीएसटी चार्ज होगी, तो ये बोलेगा तुम मुझे आईजीएसटी पे करो, वहां तो 18% पूरी लगेगी। क्लियर? सॉरी 12,000 है, इट इज नॉट 10,000। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, लिखने बोलने में आप समझने की कोशिश करना। 12,000 इस पर 18% की रेट से आ जाएगा 2,160, और टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 14,160। तो ए ने बी को जो 12,000 रुपए का माल बेचा है उस माल के अकाउंट में टोटल कितना लिया? 14,160। 12,000 रुपए ए ने अपने पास रख दिया, ये तो एक ही है, लेकिन जो टैक्स का पैसा लिया है 2,160, ये तो ये अपने पास नहीं रख सकता, ये किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो नेट टैक्स, यहां तो नेट टैक्स पेबल कितना था? नेट टैक्स पेबल, इसको तो कोई क्रेडिट मिलनी नहीं थी, तो इसने क्या दिया? सीजीएसटी का 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, और एसजीएसटी का 900 रुपए स्टेट 1 को दिया। क्लियर? ये कितना टैक्स पे करेगा? नेट टैक्स पेबल। इसने क्या कलेक्ट किया? आईजीएसटी, तो भाई तू आईजीएसटी पे कर। कितनी कलेक्ट की? 2,160। अब ये 2,160 जब पे करने जाएगा, ए ने बी से कलेक्ट किया है, पेमेंट तो ए को करना है, 2,160 पे करने जाएगा, चेक करो क्या इसके अकाउंट में इनपुट टैक्स है? हाँ है, इसने तो एक्स को टैक्स पे किया है,
तो ये तो उसकी क्रेडिट लेगा, तो आईजीएसटी के अकाउंट में तो आप सबके क्रेडिट ले सकते हो सारे कंपोनेंट की, बट प्रायोरिटी डिसाइडेड थी, तो आईजीएसटी के अकाउंट में सबसे पहले किसकी क्रेडिट लोगे? आईजीएसटी। क्या आपके पास आईजीएसटी है? नहीं है, छोड़ो। उसके बाद आप किसकी क्रेडिट लोगे? सीजीएसटी की। तो भाई ए, तूने कितना सीजीएसटी पे किया है? कितना तूने एक्स को दिया था? कितना? 900। और टैक्स पे करना बाकी है, 2160 में 900 बचाओ तो देना है। कोई बात नहीं, अभी मैं और क्रेडिट ले लेता हूं एसजीएसटी की। वो कितना पे किया था मैंने? 900। तो ये क्रेडिट लेने के बाद मैं 2160 माइनस 1800 360 पे करूंगा। कौन सा टैक्स? आईजीएसटी पे करने के लिए ये क्रेडिट लिए, तो अल्टीमेटली 360 में क्या पे करूंगा? आईजीएसटी। ये आईजीएसटी का पैसा किसको पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर याद रखना, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है, ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है, लेकिन ये 900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की रेवेन्यू है, लेकिन ये 360 भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं है। ये पैसा तो स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा, और वो स्टेट जो कंज्यूमिंग स्टेट होगी। क्लियर है आप तक का? नाउ पॉइंट इज, अब तक के डिस्कशन में, अब देखो गुड्स कहां से जा चुका है? ए से लेके एक्स से लेके ए के पास, ए से लेके कहां तक पहुंच चुका है? बी के पास। मैं पढ़ रहा हूं, जीएसटी चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट टू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी रेमिटेड बाई ए ऑफ स्टेट वन टू एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 360 मैंने कहा किसको पे कर देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब देखो आप, एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, गुड्स स्टेट ए से लेके ए में था, तो ये जो 900 रुपए थे, ये 900 रुपए किसके पास पड़े थे? स्टेट वन की गवर्नमेंट के पास। लेकिन क्या स्टेट वन की गवर्नमेंट को पैसा रखने का अधिकार है? नहीं है, क्योंकि ये गुड्स अब कहां पड़ा है? स्टेट टू के पास। और जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जहां गुड्स पड़ा है, कंज्यूम होगा, उस गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। दैट मीन्स ये सीजीएसटी का, ये बिकॉज आईजीएसटी 2160 है, और आपने इस आईजीएसटी में इस 900 रुपए को यूज किया है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कम मिला है। क्यों? क्योंकि आपने 900 रुपए की तो क्रेडिट ले ली है। और देखा जाए, ये 900 रुपए रखने का राइट ए के पास, स्टेट वन के पास नहीं है, क्योंकि स्टेट वन से गुड्स कहां चला गया? स्टेट टू के पास। तो स्टेट वन तो कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है, क्यों पैसा लेके बैठी है? तो स्टेट वन क्या करेगी? ये 900 रुपए किसको दे देगी? ये पैसा वो दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 360 रुपए तो एक खुद जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ये 900 रुपए जो एक्स ने स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराए थे ऑफ स्टेट वन, वो स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा किसको दे देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली पैसा किसको देगी? कंज्यूमिंग स्टेट को। क्लियर? नेक्स्ट पेज। क्लियर? तो देखिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन सा पैसा आया है? ये 900 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की रेवेन्यू है, सीजीएसटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 360 रुपए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए हैं ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी, और 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा स्टेट वन के पास नहीं रह सकता, ये एक्सपोर्टिंग स्टेट है। पैसा तो जो भी उस गुड्स पर होगा, वो सारा का सारा किसके पास रहना चाहिए? कंज्यूमिंग स्टेट के पास। तो स्टेट वन ये पैसा किसको दे देगी? 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा किसको भेज देगी? स्टेट बी को। क्लियर? नाउ पॉइंट इज, बी सी को सेल कर रहा है, ये तो कौन सी है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। जब बी सी को सेल करेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उस पर कौन सा टैक्स चार्ज होगा? तो ये बोलेगा, मुझे मेरी गुड्स की वैल्यू का तो 14,400 देना ही पड़ेगा, इसके साथ में तुम मुझे क्या दो? जीएसटी।
जीएसटी के तो चार कंपोनेंट होते हैं, कौन सी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट। तो ये बोलेगा एक तो मैं आपसे लूंगा सीजीएसटी और एक लूंगा एसजीएसटी, 9% दोनों है, तो 14,400 का 9% कितना हो गया 1296 एंड 1296 ये हो जाएगा 16992। क्लियर? तो बी सी से टोटल 16992 लेगा, जिसमें से 14,400 तो खुद के पास रखेगा, लेकिन ये पैसा तो टैक्स का है, ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो बी के लिए ये टैक्स कौन सा है, आउटपुट टैक्स है, पे करो। तो ये लेगा नेट टैक्स पेबल बाय बी। तो बी को कौन सा देना है, एक तो ये, एक तो सीजीएसटी देना है, कितना 1296, और एक क्या देना है इसको एसजीएसटी, ये भी कितना देना है 1296। क्लियर? नाउ ये सीजीएसटी पे करना है, तो ये सीजीएसटी पे करने के लिए क्या वो इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है, लेगा, क्योंकि उसने ए को टैक्स पे किया ना, ए को उसने क्या पे किया था आईजीएसटी, तो क्या सीजीएसटी के अगेंस्ट में आईजीएसटी की क्रेडिट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो अगर सीजीएसटी पे करना है और इसके अकाउंट में सीजीएसटी पड़ी होती तो पहले तो सीजीएसटी लेता, वो तो है नहीं क्योंकि उसने तो आईजीएसटी पे करी थी, दूसरे स्टेट से परचेस किया था, तो ये आईजीएसटी की क्रेडिट ले लेगा। इसने आईजीएसटी टोटल कितनी पे करी है 2160, तो 1296 में से तो पूरा का पूरा 1296 आप यूज कर ही लो, तो आपको सीजीएसटी तो पे करने की जरूरत है ही नहीं। जब 1296 का एसजीएसटी पे करना है तो एसजीएसटी के अगेंस्ट में भी तो आप क्या यूज कर सकते हो, आईजीएसटी। क्लियर? तो मैन टोटल बी ने 2160 का आईजीएसटी पे किया था, उसमें से वो 1296 के तो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका है, तो 2160 में से 1296 की क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका है। अब उसके अकाउंट में बैलेंस आईजीएसटी कितनी पड़ी थी, वो पड़ी थी 864, तो 864 की और क्रेडिट ले लेगा। तो टोटल उसने इनपुट टैक्स इतना पे किया था 2160, 2160 में 1296 रुपए यूज कर लिए सीजीएसटी के लिए, 864 रुपए यूज कर लिए एसजीएसटी के लिए, तो बैलेंस इसको पे करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट टैक्स शॉर्ट में था इसका, तो 432 रुपए और पे कर दे। ये क्या है, एसजीएसटी, ये एसजीएसटी का पैसा किसको दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट नंबर टू को। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब आप देखो, स्टेट टू को 1296 का एसजीएसटी मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला कितना, अब इसमें 432 रुपए ही मिला है, 432 रुपए ही मिला है। क्यों? क्योंकि तुमने आईजीएसटी की क्रेडिट ले ली, तो क्या स्टेट टू को तकलीफ नहीं होगी, वो बोलेगे मेरे यहां गुड्स कंज्यूम हुआ है, मेरे यहां गुड्स की वैल्यू पहुंचते 14,400 हो चुकी है, तो मेरे पास 1296 का जीएसटी आना चाहिए। लेकिन उसने आईजीएसटी की क्रेडिट ले ली 864 की, तो स्टेट टू को तो 864 का नुकसान हुआ क्योंकि 432 ही मिले। कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा किसको ट्रांसफर कर देगी, स्टेट टू को, कितना 864, तो 432 तो बी ने दे ही दिया है, मिलना कितना चाहिए था 1296, तो 864 रुपए का स्टेट टू को लॉस हो रहा है। ये लॉस की भरपाई कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्टिंग स्टेट से पैसा ले रही है। क्यों भाई, इंपोर्टिंग स्टेट तुम्हारे यहां गुड्स कंज्यूम नहीं हुआ है, तुम वो टैक्स का पैसा हमें ट्रांसफर करो, तो इसने 900 रुपए ट्रांसफर किए थे ना, ये पैसा कहां आ गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से 864 रुपए किसको दे देगी, स्टेट टू को। तो स्टेट वन ने 900 ट्रांसफर किया, उसमें से स्टेट टू को सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे देगी 864। अब ये मत सोचना जितना स्टेट वन ने ट्रांसफर किया उतना स्टेट टू करेगी, नहीं, क्योंकि सब वैल्यू एडिशन हो रहे हैं ना, तो फिगर सब चेंज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ ये एक एग्जांपल दे रखा था, और किसके पास कितनी रेवेन्यू आई उसका भी एक पूरा स्टेटमेंट दे रखा है मैंने, मैंने अलग अलग तरीके से समझाया है। जब ये नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहा, स्टेट वन के पास कितना रहा, स्टेट टू के पास कितना रहा, स्टेट वन ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया 900 रुपए, क्लियर, स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टू को कितना ट्रांसफर किया 864,
बी ने स्टेट टू को कितना दिया 432, इस सारी चीजों के लिए एक स्टेटमेंट भी बना रखा है। क्लियर, ये मैंने आपको सारा डिस्कशन दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। क्लियर, सबसे पहले समझाया क्या होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर समझाया किस तरीके से किसकी किस ऑर्डर में क्रेडिट मिलती है, और थर्ड समझाया किसके पास ये रेवेन्यू रहेगी, जिसके लिए पूरा मैंने आपको नॉलेज दिया है। क्लियर, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, लिखिए, थोड़ा सा और मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको लिखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट में ले रहा हूं, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या हम कुछ टैक्स के बारे में जनरल बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, और साथ साथ जीएसटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या स्पेशल कहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन सबसेक्शन इस तरह के वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, या हम आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं, और जो हमको डिस्कस करना होगा यहां आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 कैपिटल ए विदाउट ब्रैकेट एंड आर्टिकल 269 कैपिटल ए, ये सारे कुछ ना कुछ प्रोविजन है जो हमको डिस्कस करने हैं। कुछ टैक्स के बारे में जनरल डिस्कशन है और कुछ स्पेशली जीएसटी के बारे में बात करेंगे। क्लियर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं जनरल डिस्कशन के बारे में, तो यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 245, इन दो के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। क्लियर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265, ये आर्टिकल बोलता है कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है ये आर्बिट्रेरी नहीं होगा, दैट मीन्स मर्जी हो टैक्स कलेक्ट कर लिया ऐसा नहीं, ये किसी न किसी लॉ से ऑथराइज्ड होना चाहिए। क्लियर, तो आर्टिकल 265 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन जो है इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। ये जो कलेक्शन और लेवी है, जो टैक्स लगाना है या टैक्स का जो कलेक्शन है, ये जो होना चाहिए बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ऑथोरिटी ऑफ लॉ, कोई ना कोई लॉ से ऑथोरिटी मिलेगी, अधिकार मिलेगा तो ये टैक्स लगाया जाएगा। तो टैक्स लगाने के लिए कोई ना कोई कानून होना जरूरी है, आप अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते। ये किसने बोला है? आर्टिकल 265। तो आर्टिकल 265 ने यह बोला है टैक्स लगाना या टैक्स कलेक्ट करना किसी न किसी लॉ द्वारा ऑथोरिटी मिलनी चाहिए। क्लियर, नाउ क्वेश्चन इज ये ऑथोरिटी जो है ये किसके पास है, तो इस ऑथोरिटी के लिए दे रखा है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 बोलता है कि टैक्स लगाने की जो ऑथोरिटी है हम किसे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 बोलता है टैक्स लगाने की ऑथोरिटी हम दे रहे हैं एक तो पार्लियामेंट को, और एक हम दे रहे हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानसभा को, संसद और विधानसभा। क्लियर, ये जो पार्लियामेंट है ये कोई भी टैक्स लगा सकता है फॉर होल यूनियन, होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
विधानसभा ये जो टैक्स लगाएगी कहां लगाएगी, कहां लगा सकती है, फॉर होल इन होल स्टेट, उस पूरे के पूरे स्टेट में, या अ पार्ट ऑफ स्टेट। क्लियर? तो सिंपल सी बातें हुई है। आर्टिकल 265 ने कहा देखो टैक्स कलेक्शन जो है ये आर्बिट्री नहीं होगा, टैक्स लगाना टैक्स कलेक्ट करना ये किसी न किसी लॉ से गवर्न होना चाहिए। लॉ उसे ऑथोरिटी देगा तो ही टैक्स लगाया या कलेक्ट किया जाएगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 टैक्स लगाने की ऑथोरिटी किसे दे रहा है, या तो पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट कोई भी टैक्स लगाएगी वो पूरे इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट पर हो सकता है, लेकिन किसी स्टेट की विधानसभा अगर टैक्स प्रोविजन ला रही है, कोई कानून ला रही है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट या उसके किसी पार्ट पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर? ये एक जनरल डिस्कशन है जो किसी भी तरह का कोई भी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो और कोई टैक्स हो, सब पर अप्लाई होगा। क्लियर? एक जनरल डिस्कशन और है जहां हम बात करते हैं आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 की है सेवंथ शेड्यूल। सो सेवंथ, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, शेड्यूल टू आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के अंदर सेवंथ शेड्यूल है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। और इस सेवंथ शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन जो होती है यूनियन लिस्ट, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट। एक होता है लिस्ट टू जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक होता है लिस्ट टू ऐसे लिख सकते हैं, और एक होता है लिस्ट थर्ड जिसको बोलते हैं कॉनकरंट लिस्ट। क्लियर? सो आर्टिकल 246 के अंदर कई शेड्यूल में एक शेड्यूल है शेड्यूल सेवन। इस सेवन शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। लिस्ट वन के अंदर जो मैटर दे रखे हैं उन मैटर पर टैक्स लगाने की ऑथोरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहां टैक्स लगाने की ऑथोरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे लिस्ट वन के अंदर दे रखा है इनकम टैक्स, एक मैटर दे रखा कस्टम ड्यूटी, इसका मतलब इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी ये लगाने की ऑथोरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है। इसी तरीके से लिस्ट टू के अंदर जो जो मैटर दे रखे हैं इन मैटर पर टैक्स लगाने की ऑथोरिटी एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, जैसे पहले था, कुछ सेंस में आज भी है, बहुत लिमिटेड सेंस में, वैट, स्टेट वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी कुछ सेंस में आज भी अप्लाई होती है। वैसे तो जीएसटी की वजह से एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सब खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, पर थोड़ा सा सिलेक्टेड मैनर में आज भी है। तो लिस्ट टू में जो मैटर दे रखा है इस मैटर पर टैक्स बनाने की ऑथोरिटी, टैक्स लगाने की ऑथोरिटी ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दैट मींस इस मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी और इन मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, या एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है टैक्स लगाना, एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट का राइट है टैक्स लगाना। और लिस्ट थर्ड में जो मैटर होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, पर आज की डेट में ये इररिलेवेंट है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक भी मैटर स्पेसिफाइड नहीं है, तो आज की डेट में तो इस लिस्ट का कोई रोल नहीं। बट मान लो फ्यूचर में कभी भी इस लिस्ट में कोई मैटर आएगा तो उसका मतलब ये होगा इस मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। चाहते तो जीएसटी को यहां रखा जा सकता था, लेकिन जीएसटी के लिए अलग से ही 246A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यह भी एक जनरल डिस्कशन है। तीन बातें करी है। आर्टिकल 265 बोलता है
टैक्स आर्बिट्रेरी कलेक्ट नहीं होगा, ऑथोरिटी ऑफ लॉ से कलेक्शन और लेवी होगी। ये ऑथोरिटी आर्टिकल 245 किसको देता है? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट पूरे इंडिया या एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर होल स्टेट और एनी पार्ट ऑफ स्टेट टैक्स लगा सकती है। एक जनरल डिस्कशन और था, आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल है जिसमें तीन लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी मैटर स्पेसिफाइड कर रखे हैं उस मैटर पर टैक्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, यूनियन गवर्नमेंट। लिस्ट टू के अंदर जो मैटर स्पेसिफाइड है उस मैटर पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट आज की डेट में कोई रिलेवेंस नहीं है, आज तक इस लिस्ट में एक भी मैटर स्पेसिफाइड किया ही नहीं, लेकिन मीनिंग यह है अगर कोई मैटर स्पेसिफाइड किया गया तो उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा सकती है। क्लियर? तो ये एक और जनरल डिस्कशन था। अगर मैं जीएसटी के बारे में बात करूं, जो हमारा डिस्कशन है, इसमें दो आर्टिकल है, 246, ये भी 246 था बट ये कैपिटल ए, एंड आर्टिकल 269 ए, ये दो आर्टिकल दे रखा है जहां जीएसटी के बारे में बात कर रखी है। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकल 246 ए, इसने बेसिकली तीन बातें कर रखी है। फर्स्ट क्या रखा है कि यार जीएसटी लगाने की जो पावर है, सो जीएसटी लगाने की जो पावर है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दे रहे हैं। मैंने आपको कहा भी था मेरे फर्स्ट लेक्चर में, हमारे यहां जीएसटी डुअल सिस्टम है। हमने पढ़ा भी था सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। यही बात हमारा आर्टिकल 246 ए कह रहा है, क्या कि जीएसटी लगाने की पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है लेकिन जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी उस पर जीएसटी लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हमने बात भी करी थी कि इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कलेक्ट करेगी, बर रखेगी नहीं। दो बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट ढंग से सुनना, थर्ड पॉइंट ये रखा है कि इसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे रखे हैं। और क्या रखा है? इन 5 पेट्रोल के जो प्रोडक्ट है, आपने सुना भी होगा आज की डेट में भी कि यार पेट्रोल के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट पुराने सिस्टम से चल रही है, इस पर जीएसटी नहीं लाई है। हमारा आर्टिकल 246 ए ये कह रहा है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इस पर जीएसटी आज नहीं लगाएंगे, फ्यूचर में किसी डेट से लगाएंगे जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे। आप देखते भी होंगे बार बार कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कई लोग मिले हुए हैं जिसका हेड फाइनेंस मिनिस्टर है, बार बार मीटिंग करते हैं और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन लेकर आ जाती है। क्लियर? तो जीएसटी में जो भी बातें हो रही है उस जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से हो रही है। ये आर्टिकल 246 ए कह रहा है 5 प्रोडक्ट के ऊपर हम जीएसटी आज नहीं लगाएंगे, हाँ लगाएंगे बट फ्रॉम फ्यूचर डेट जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे। क्लियर है तक का? तो आर्टिकल 246 ए ने तीन बातें कर रखी है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी चार्ज करेगी, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करने की एक्सक्लूसिवली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, दैट इज आईजीएसटी। 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर हम आज जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, चार्ज करेंगे फ्यूचर में किसी डेट से जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे। तो जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी ये 5 प्रोडक्ट भी जीएसटी में कवर हो जाएंगे। आज इस पर जीएसटी नहीं, पुराना लॉ एप्लीकेबल होता है जो अभी थोड़ी देर बाद फिर बताऊंगा, एंड दैट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? और एक आर्टिकल हमारे पास में और है और वो है आर्टिकल
269A, जो करीब करीब मैंने सारा आपको बता दिया है। क्लियर? क्या कहा था? फर्स्ट यार, ये जो इंटर, अभी रिपीट ही हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स कौन लगाएगी? एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किस में? उस तरीके से जैसा कि प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और प्रेस्क्राइब क्या रखा है? हमने पढ़ा है कंज्यूमिंग स्टेट। इंपॉर्टेंट जो बात इसने 269A ने कर रखी है, वो कर रखी इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है हम किसी और कंट्री से गुड्स खरीद रहे। तो मान लो हम यूएसए से गुड्स मंगा रहे, ये क्या है? इंपोर्ट। और क्या रखा है? इंपोर्ट को हम क्या मानेंगे? डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंपोर्ट शैल बी ट्रीटेड डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई। जब इंपोर्ट को आपने इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया है, इसका मतलब आप इस पे भी क्या चार्ज करोगे? IGST। क्लियर? तो लास्ट पॉइंट कि इंपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाई, इस पर चार्ज की क्या की जाएगी? IGST। और इंपोर्ट के लिए प्रोविजन कहां होते? कस्टम एक्ट के अंदर। तो कस्टम एक्ट ने इसमें प्रोविजन डाला है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और कस्टम एक्ट ने क्या रखा है कि जब आप दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करोगे, हम उस पर भी IGST लगाएंगे। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 265 एंड 245 जनरल डिस्कशन था। क्या टैक्स आर्बिट्री कलेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर ऑथोरिटी ऑफ लॉ से कलेक्ट एंड लेवी किया जाएगा। 245 ने ये ऑथोरिटी पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल तीन मैटर बता रखा है, तीन लिस्ट बता रखा है। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, जो मैटर लिस्ट वन में दे रखे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, मैं जो मैटर दे रखे ओनली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट एज सच देखा जाता एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी के बारे में दो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आर्टिकल 246A तीन बातें कह रखा है। फर्स्ट, जीएसटी लगाने की ऑथोरिटी सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी। और पांच ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर जीएसटी हम फ्यूचर डेट से लगाएंगे, आज नहीं। और पांच प्रोडक्ट के अगर आपको नाम देखने हैं, पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, नाम दे रखा है पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट कॉमनली नोन एज ए पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एंड आर्टिकल 269A, फर्स्ट रिपीटेशन, इंटर स्टेट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर चार्ज करेगी टैक्स IGST। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी नहीं, जैसा तरीका प्रेस्क्राइब किया जाए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो हमने डिस्कस किया कंज्यूमिंग स्टेट। एंड इंपॉर्टेंट चीज उसने कही है, इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, दैट मीन्स हम इस पर IGST चार्ज करेंगे। और ऐसा प्रोविजन कस्टम लॉ में दे रखा है। ठीक है, सो आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट करिए, फिर थोड़ा सा डिस्कशन और करके चैप्टर वन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। पेज नंबर 14 पर एक सिंपल सा डिस्कशन है, कुछ डेफिनेशन है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखी है और ये सारी की सारी हम जीएसटी एक्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट लाइक रीडिंग टाइप है और करीब करीब आप इसके बारे में जानते हैं, कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं होगा। बट क्योंकि सीए इंटर के अंदर ये दे रखा है तो हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 14, डेफिनेशन तीन चार है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस, स्टेट, इनकॉर्पोरेट अंडर आर्टिकल 366। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 ने भी कुछ डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, भाई जीएसटी का मतलब क्या होगा? सिंपल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, सब पर जीएसटी लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर जीएसटी चार्ज हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी भी थी, आगे जब जीएसटी स्टार्ट करूंगा, मेनली जीएसटी तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तब भी मैं बताऊंगा। एक था पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दो बातें हो गई। एक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक मैं बात करूं एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दो बातें हो गई। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो दे रखे इस पर क्या है, इस पर जीएसटी चार्जेबल हो सकती है, लेकिन कब, फ्यूचर डेट से हो तो सकती है, आज नहीं है। तो आज इस पर भी जीएसटी नहीं, आज इस पर भी नहीं है, बट इस पर होगी फ्यूचर में, बट इस पर जीएसटी नेवर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया है लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। याद रखना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लीकर पियो तल्ली हो जाओ, उसके लिए, किसी और पर्पस के लिए लीकर चाहिए, कई बार इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी लीकर चाहिए फैक्ट्रीज वगैरह में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर जीएसटी चार्जेबल हो सकती है। तो बात क्या करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हर गुड्स हर सर्विस पे जीएसटी चार्ज करो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, बट पीने वालों पे जीएसटी मत लगाना, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, 3 डेफिनेशन और है, सर्विस एंड गुड्स। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसका मतलब कोई भी चीज जो गुड्स या सर्विस में कहीं ना कहीं तो आएगी, हालांकि जीएसटी के अंदर इसको सब डिफाइन कर रखा हम पढ़ेंगे, तो जो चीज गुड्स नहीं वो सब क्या है, सर्विस। और गुड्स को क्या कह रखा है, गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल। अभी तो इतना याद कर लो, जब जीएसटी एक्ट आएगा तब बताऊंगा, वहां गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल की गई है, हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। और स्टेट में मैंने आपको कहा था, स्टेट का मतलब 29 स्टेट तो है ही, और साथ में भी कह रखा है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। आप कह सकते हैं दिल्ली एंड पांडिचेरी भी भले यूनियन टेरिटरी है, बट हर पर्पस के लिए क्या माना जाएगा, स्टेट, क्लियर। ऐसे देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, पर थोड़ा सा डिस्कशन और दे रखा है, बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ी चीज आप याद रख लेना। जैसे एक पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, जीएसटी लगेगी फ्यूचर डेट से, तो जब तक जीएसटी चार्ज नहीं होती है तब तक इस पे क्या चार्ज हो रही है, दो बातें होती है ना, पहले तो होता है प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होता है, सेल। क्लियर, एक तो होगा प्रोडक्शन और एक होगा सेल। आपको पता ही है क्या होता है, प्रोडक्शन के ऊपर क्या चार्ज होती है, एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी भी दो तरह की होती है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोल पे क्या लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसा लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, नहीं, कुछ सेंस में आज भी है। उसी तरीके से सेल करते हो तो क्या लगता है, अगर स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट है तो वैट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो पहले क्या लगता था, सीएसटी। तो पहले वैट और सीएसटी की जगह अब क्या आ गया है, जीएसटी। बट इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर आज जीएसटी नहीं लगेगी, फ्यूचर डेट से लगेगी। तो जब तक फ्यूचर में जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं करते उन 5 प्रोडक्ट को, तब तक आज भी इस पर जब प्रोडक्शन होगा तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और प्रोडक्शन के बाद जब आप सेल करोगे विथ इन द स्टेट वैट, दूसरे स्टेट में तो सीएसटी चार्ज होगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्लियर। पर जहां तक एल्कोहलिक लीकर की बात है भाई, इसके ऊपर तो कभी जीएसटी लगेगी ही नहीं, बट एल्कोहलिक लीकर का भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा,
और प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सेल। प्रोडक्शन करते तो क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी। पर याद रखना, लीकर जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप इस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकते हो। हाँ, सेल में विथ इन द स्टेट वैट और जीएसटी। तो देखो, दोनों में एक सिमिलर पॉइंट है, जब सेल करोगे विथ इन द स्टेट यहां पर भी वैट और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जीएसटी। दूसरा, जब तक जीएसटी नहीं आएगी तब तक हम क्या चार्ज करेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो कभी जीएसटी आएगी ही नहीं, हमेशा ही क्या चार्ज किया जाएगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो देखो, पूरी तरीके से एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, जीएसटी, वैट खत्म नहीं हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट पर आज भी है, क्लियर। और एक आपको और याद रखना पड़ेगा, छोटी सी बात है, टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट, टोबेको प्रोडक्ट, तंबाकू, गुटखा वगैरह, क्लियर। ये एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी भी लग रही है और साथ साथ में सेंट्रल एक्साइज, नॉट स्टेट, एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, क्लियर। तो यहां पर एक है दूसरी नहीं है, क्लियर। लेकिन टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट, तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट, ऐसी आइटम है, सिंगल आइटम है, गवर्नमेंट इस पर पुराना वाला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कंटिन्यू कर रही है और साथ साथ जीएसटी भी लगा रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ किसको मना किया है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बाकी सारे आइटम पे तो लगा सकती है। तो गवर्नमेंट ने टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट को ऐसा किया है कि इस पे जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों लग रही है। हाँ, इसके ऊपर वैट और जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी, उसकी जगह कौन आ गया, जीएसटी। बट एक्साइज ड्यूटी की जगह भी जीएसटी है, पर दोनों लगा रही है बहुत कॉस्टली करने के लिए इसको, ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें, क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट व्हाट इज टैक्स, सेकंड डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड, मल्टी स्टेज, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इस तरह की बातें करी थी, क्लियर। कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी के बारे में बात करी, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करी, इंडिया की डेफिनेशन डिस्कस करी, आज हमने आईटीसी के बारे में बात करी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने ये भी देखा कि कौन सी इनपुट की किसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिलेगी, किस ऑर्डर में मिलेगी और किसकी नहीं मिलेगी, ये भी डिस्कस किया। और कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान के प्रोविजन डिस्कस किए टैक्स एज वेल एज प्योरली जीएसटी के बारे में, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कंप्लीट हो रहा है।